आप सभी को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम अर्चना खरे है, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आपको हिंदी बसंत का पाठ 6 पार नजर के, जो कि ये कहानी है, इसे जयंत विष्णु नारलीकर जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस कहानी में एक वैज्ञानिक परिकल्पना की गई है। जो ये पाठ है इसके अंदर एक वैज्ञानिक परिकल्पना की गई है। इस पाठ में मंगल ग्रह पर जीवन की कल्पना की गई है। तो देखिए, मंगल ग्रह में जीवन संभव था या नहीं था, संभव है या नहीं है, ये जो कल्पना है उसको इस पाठ में दर्शाया गया है। तो देखिए, वहाँ एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते में होते हुए जाने की मनाही थी। जो मंगल ग्रह के नीचे जो कॉलोनी बनी हुई थी, वहाँ पे आम आदमी नहीं आ जा सकता था। लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुँचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? छोटू, कितनी बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो। मतलब उसके पिताजी छोटू को बोलते हैं कि मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि तुम उस तरफ मत जाया करो, क्योंकि वहाँ जाने की परमिशन हर किसी को नहीं है। छोटू फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज़ रोज़? वो पापा से पूछता है, फिर आप क्यों रोज़ रोज़ उस तरफ जाते हैं? तो पापा को काम पर जाना होता है। वो कहते हैं कि हमें तो, हमारी तो ड्यूटी है, हमको तो काम में जाना होता है। रोज़ाना यही वार्तालाप हुआ करता था। छोटू की माँ और छोटू के बीच इस तरफ एक सुरंगनुमा रास्ता था और छोटू के पापा इसी सुरंग से होते हुए काम पर जाया करते थे। आम आदमी के लिए इस रास्ते में जाने की मनाही थी। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। मतलब एक जो रास्ता थी, सुरंगनुमा रास्ता थी, वहाँ पे कुछ ही लोग मतलब जाने की परमिशन थी जो वहाँ पे काम करते थे। उन चुनिंदा लोगों में से उसके पापा भी थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर पर ही आराम फरमा रहे थे। नज़र बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथियार ही लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। मतलब उसने पापा का सिक्योरिटी पास, जो पास डालते हैं इसके बाद अंदर जाने की परमिशन मिलती है, तो सिक्योरिटी पास जो था उसने छोटू ने चोरी से पापा के ले लिया। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। वह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, जो सिक्योरिटी पास होता है, तो जो दरवाज़ा था उसमें एक खांचा बना हुआ था। उस खांचे में वो कार्ड को डालते हैं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाता था। तो ऐसा ही उसने भी किया, छोटू ने। तो छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुँचा था, उसे उठा लिया। कार्ड उठाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई। सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी ज़मीन के ऊपर का सफ़र कर आने का मौका मिल गया था उसे। क्यों? क्योंकि जो जहां वो रहता था वो तो मंगल ग्रह की ज़मीन के नीचे उसकी कॉलोनी थी, है ना। मगर जो सुरंग का रास्ता था वो कहां जाता था? ज़मीन के ऊपर। मगर कहां, मौका हाथ लगने ही लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। भाई, हर जगह जब वैज्ञानिक लोग काम करते हैं तो वो जगह जगह यंत्र लगे होते हैं ना, हर चीज़ की जानकारी के लिए कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कब आ रहा है, कब जा रहा है। तो उस चीज़ की जानकारी छोटू को नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। मतलब जैसे ही उसने देखा पहला निरीक्षक यंत्र ने, तो उसको कुछ संदेह हुआ कि ये तो यहाँ काम नहीं करता था, ये कोई अपरिचित है। इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया? दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। मतलब जो निरीक्षक यंत्र लगे हुए थे वो अपना कार्य करना शुरू कर दिए। पहले ने संदेह जाहिर किया कि ये तो इतना छोटा इस सुरंग के अंदर कैसे आया, दूसरे ने उसकी फ़ोटो खींच ली। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। छोटू को ये सब कुछ भी नहीं पता हो रहा था कि लोग हमारे लिए क्या करें, जो यंत्र लगे हैं वो क्यों लगे, उसको किसी भी तरीके की कोई जानकारी नहीं थी। छोटू जो है आगे बढ़ने लगा। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए। जब यंत्रों ने उनको सूचना दी सिपाहियों को, तो सिपाही वहां से दौड़ते हुए चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर छोड़ा।
घर पर माँ छोटू का इंतज़ार कर रही थी। बस अब छोटू की खैरियत ना थी। छोटू के पापा ना होते तो छोटू का बचना मुश्किल था। क्यों? क्योंकि लोग उसको क्या सोचते कि ये कोई खुफिया विभाग का है, कोई जानकारी लेने आ रहा है तो उसको कैद कर ले, तो उसको पकड़ के बंद कर देते। मगर ये छोटू को सभी पहचानते थे और उसके छोटू के पापा वहाँ काम करते थे, इसलिए वो वहाँ पर बच जाता है। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूँगा सब। तो वो बोलता है, उसके पिताजी बोलते हैं, इसको छोड़ दो, मैं इसको समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया। बोले, छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ ना, वह क्षेत्र ज़मीन से ऊपर है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी ही नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहीं? वहाँ, छोटू ने पूछा। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट में मुझे ऑक्सीजन मिलता है जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब अगर हमको ज़मीन के ऊपर जाना है, मंगल ग्रह पर तो ऊपर जाना है, तो उसके लिए विशेष सूट होता था, विशेष ड्रेस होती थी और जूते भी उसके अलग ही होते थे। इन सब के लिए एक प्रशिक्षण भी उनको, मतलब ट्रेनिंग भी उनको दी जाती थी। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग ज़मीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे ज़मीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि एक समय था कि मंगल ग्रह पे सभी लोग रहते थे, मनुष्य जो है मंगल ग्रह पे रहते थे, वहाँ पे किसी तरीके का कोई भी यंत्र मतलब मदद के लिए नहीं रहता था। सभी कोई खास, जैसे अभी हमको अलग तरीके की पोशाक पहननी पड़ती है और जूते चप्पल पहनने पड़ते हैं, है ना, तो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, सभी लोग उस ज़मीन पर रहते थे। मगर धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आ गया। क्यों? क्योंकि और सभी जीव जो है धीरे धरती पर रहा करते थे, सब धीरे धीरे मरने लगे और परिवर्तन ही जड़ में था। क्यों? क्योंकि सूरज में जो परिवर्तन हो गया था। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होती ही यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया है, हम लोग इस स्थिति का सामना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि सूरज के परिवर्तन के कारण ही, जो सूरज का ताप होता है उसके कारण ही हमारे यहाँ ऋतुएं बनती हैं, हमारे यहाँ तापमान का संतुलन बना रहता है, है ना। और आपको पता है कि हमारे यहाँ वनस्पति के लिए भी सूर्य के ताप की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, है ना। और जब हमारे यहाँ वनस्पति अच्छी होगी तो स्वाभाविक बात है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी, और जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी तो जीव जंतु मनुष्य सभी जीवित रहेंगे। मगर सूर्य ने के परिवर्तन के कारण यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ने लगा था, अतः यहाँ पे पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी थे, जीव थे, वो यहाँ पे नहीं रह पाए। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया है। ज़मीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूरज की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ ज़मीन के नीचे जी रहे हैं। जो ऊपर यंत्र लगे हुए हैं, सूरज के ताप और उष्णता को, ये सबको मतलब कहना चाहिए इनकी शक्ति इस धरती पर लाने के लिए, तो जो यंत्रों का प्रयोग किया गया है जिसके कारण जो मंगल ग्रह के नीचे की ज़मीन है वहाँ पे हम सुरक्षित और जीवित रह रहे हैं। बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी यही काम करूँगा, छोटू ने अपने मनसा जाहिर की। मतलब उसने कहा कि अगर उसके मन में उत्सुकता जगी कि जैसे पापा काम करते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो मैं भी ऐसा ही काम करूँगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी, माँ ने कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, यह कोई आसमान का तारा नहीं है,
क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि वह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता आ रहा है। अंतरिक्ष यान तो नहीं है? छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। और जो कर्मचारी थे उन्होंने बोला कि आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा, कहीं यह अंतरिक्षयान तो नहीं है। छोटू के पापा सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौरमंडल से हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका है होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता है। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्षयान तो एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। जो अंतरिक्षयान आ रहा था उसका एक हाथ बाहर की तरफ निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा, मतलब वो लगातार उस पर मतलब निगाह रखे थे और जानकारी प्राप्त कर रहे थे। कॉलोनी का प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई थी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। जो अध्यक्ष थे कॉलोनी के, उन्होंने एक सभा बुलाई और उस सभा में बोला कि दो अंतरिक्षयान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से अंतरिक्षयान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्षयान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए? इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। तो ये जो अध्यक्ष थे ना कॉलोनी के, उन्होंने एक सभा बुलाई और उन्होंने अंतरिक्षयान के बारे में जानकारी दी और उन्होंने ये बोला कि उससे निपटने के लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। इसके लिए नंबर एक का ख्याल आया। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर एक पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्षयानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्षयान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्षयान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्षयानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं हैं। तो मतलब वो कहते हैं कि अगर हम इसको यंत्र को ख़त्म कर देंगे तो इसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको मतलब ख़त्म नहीं करते। तो नंबर एक की बात सही लगती है। एक नंबर दो एक वैज्ञानिक थे, वो बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय से हम सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। मतलब अगर हम इसको ख़त्म कर देते तो दूसरे लोग हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेंगे, इसलिए हमें इसको ख़त्म नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते रहना है। जहाँ तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छुपा ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्षयान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्षयान भेजेंगे। हमें यहाँ का प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि ज़मीन में कोई भी चीज़ इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जिससे वे लाभ उठा सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर तीन सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे, है ना, तीनों अपने अपने काम में निपुण थे। तो जो तीसरे नंबर का था वो सामाजिक व्यवस्था का काम देखता था। तो देखो उन्होंने क्या कहा, उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने ही जा रहे थे कि फ़ोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया। एक मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों, अंतरिक्षयान क्रमांक एक हमारी ज़मीन पर उतर चुका है। वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्षयान क्रमांक एक साफ नज़र आ रहा था। कैसा अजीब लग रहा है यहाँ, इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा।
अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही इसका निरीक्षण जारी है। उस पर बराबर ध्यान है और इसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने उसे बताया। उन्होंने छोटू को एक कंट्रोल दिखाया जिस पर कई बटन थे। अब अंतरिक्षयान में एक यांत्रिक हाथ बाहर निकाला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद ज़मीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेल लेना चाहता था। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्षयान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक के, उसका ध्यान कहीं और ही था, छोटू। छोटू का सारा ध्यान था कंसोल पैनल पर। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे बरबस अपनी ओर खींच रहा था। मतलब जो उसने कंसोल पैनल देखा था वो उसमें से जो लाल बटन थी वो उसको बार बार चुभ रही थी और वो लाल बटन को दबाने की बहुत कोशिश कर रहा था, मगर क्या होता है वो उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। सहसा उसने क्या किया, उस बटन को दबा दिया और खतरे की घंटी बजने लगी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक झापड़ रसीद कर दिया और लाल बटन को पूर्व स्थिति पर ला रखा। मगर उस तरफ जब अब अंतरिक्ष आने के इस यांत्रिक हाथ की हरकत सहसा रुक गई थी, यंत्र बेकार हो गया था। उधर पृथ्वी पर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्षयान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्षयान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं तथा इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने के प्रयास भी जारी हैं। इसके कुछ ही दिनों बाद पृथ्वी के सभी प्रमुख अखबारों में छापा। नासा के तकनीशियों को रिमोट कंट्रोल के सहारे वाइकिंग को दुरुस्त करने में सफलता मिली है। यांत्रिक हाथ ने अब मंगल की मिट्टी के विभिन्न नमूने इकट्ठे करने का काम आरंभ कर दिया है। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल की इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बड़े उत्सुक थे। उन्हें उम्मीद थी कि इस मिट्टी के अध्ययन से इस बात का पता लगाया जा सकेगा कि क्या मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह है जीव सृष्टि का अस्तित्व है। यह प्रश्न आज भी एक रहस्य है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत के बहुत सारे वैज्ञानिक जो चंद्रमा पर और मंगल ग्रह पर जा गए हैं और उन्होंने वहाँ की मिट्टी लाने का बहुत ही प्रयास किया है, वहाँ जानकारी प्राप्त की है कि यहाँ पानी है और मनुष्य यहाँ पर रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इन सब की खोज आज भी जारी है। तो इस पाठ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। धन्यवाद।